केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ 11 जून यानी कल दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी महारैली का आयोजन करने जा रही है। बातचीत के दौरान मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के सिर पर चोर दरवाजे से काला अध्यादेश थोप दिया है। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ 11 जून को दिल्ली के कोने कोने से लोग रामलीला मैदान में महारैली में शामिल होने आएंगे। रैली में शामिल होने वाले लोगों को गर्मी से बचाने के लिए रामलीला मैदान में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक समेत पार्टी के कई विधायक और नेता रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। लोगों को गर्मी से दिक्कत ना हो इसलिए पूरे मैदान में पंडाल, कूलर और पंखे लगाए जा रहे हैं। मेडिकल के साथ साथ पानी, टॉयलेट और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी की जा रही है। राय ने इस बात से इनकार किया कि विपक्षी नेता इस मंच पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिल्ली वालों का समर्थन जुटाने के लिए एक कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी की महारैली में पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने हल्ला किया कि केजरीवाल के मंत्री जेल में हैं और भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन दिल्ली के लोगों ने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दिलवाई। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है। देश भर की विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही हैं, इसलिए हताशा में भाजपा ऐसे बयान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।